ये बच्चे बहुत ज्यादा डाउट में इसको लाते हैं, टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटी बी वन एंड बी टू। एक्चुअली 2015 में पेपर एक बार कैंसिल हो गया था नीट का, और एक बार हुआ था, इसलिए बहुत सारा जो है प्रॉब्लम 2015 में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कई बार नीट के पेपर ही लीक हो गए थे, ठीक है, तो उस वजह से नीट को कैंसिल करना पड़ा था, और तो इसलिए उसमें क्वेश्चन ज़्यादा है। टू पार्टिकल ए एंड बी मूविंग विद वेलोसिटी बी वन एंड बी टू, दो पार्टिकल है, उनकी वेलोसिटी अलग अलग है, दे आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी, द इनिशियल इनिशियल पोजिशन वेक्टर आर वन आर टू रिस्पेक्टिवली, द कंडीशन ऑफ पार्टिकल ए एंड बी टू बी द कोलिजन। अब कोलिजन का क्या कंडीशन होता है उसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली देखो प्रॉब्लम को समझो, अगर ये एक्स एक्सिस है हम लोगों का और ये हम लोगों का वाई एक्सिस है, और यहाँ पर एक पार्टिकल है ए, क्लियर है। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी कहीं इधर है, ठीक है, यहाँ ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, इधर से कहीं भी वन जा रहा है, ठीक है। दूसरा वाला है मान लो किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट यहाँ है और उसकी वेलोसिटी इधर कहीं है, दैट इज द वी टू, वो भी एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से दोनों जा रहे हैं। कहीं पे जाके जब मान लो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, मैंने यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया टी इज इक्वल टू जीरो, हर टाइम इसका पोजिशन वैक्टर, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे इसका पोजिशन वैक्टर कह रहा था यहाँ पे किसी इंस्टेंट आर वन है और यहाँ पर किसी इंस्टेंट पोजिशन वैक्टर आर टू है। तो जब ये दोनों कोलिजन करेंगे, तो कोलिजन करने के बाद यहाँ पे मान लो दोनों का कोलिजन हो गया, तो कोलिजन के बाद इनकी जो पोजीशन वेक्टर है वो आर हो गई, वो तो कॉमन हो जाएगा ना भाई, पोजीशन वेक्टर कॉमन हो जाएगा। देखो एक कह रहा टू पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल मतलब होता है टी इक्वल टू जीरो पर, मान लो यहाँ पर जब थे टाइम टी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से ये लाइन ऑफ मोशन है, अब जब ये कोलिजन किए तो उनका पोजीशन वेक्टर सेम हो गया। तो हमें इसमें से कंडीशन निकालना, कोलिजन का कंडीशन, तो अब यही चीज हमें काम आएगा, जो कॉमन वाली चीज है वही हम, इन दोनों में कॉमन है आर कोलिजन के बाद, ठीक है। तो चलो इसको निकालते हैं। अब देखो टी टाइम बाद कोलिजन हुआ, तो ये वाला वेक्टर अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा ए वेक्टर, ठीक है, ये जो वेक्टर है वो कितना हो जाएगा टी टाइम बाद भी वन टी, किसी को दिक्कत नहीं, और कोलिज ये उतना ही टाइम में टी, ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा भी टू टी, भी टू टी और ये बी वन टी, क्लियर है ना। अब ट्राइंगल रूल लगा दो, ट्राइंगल रूल लगा दो, इस यहाँ एक छोटे दो छोटे छोटे ट्राइंगल बने हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, तो ट्राइंगल रूल लगाओगे तो आर वन प्लस भी वन टी, आर वन प्लस भी वन टी वैक्टर, आर वन प्लस भी वन टी पोजिशन वैक्टर आर, क्लियर है। एंड दूसरे वाले ट्राइंगल से घूम के आओगे तो R इज इक्वल टू आर टू प्लस भी टू टी, आर टू प्लस भी टू टी, ये तो ये आ जाएगा R2 टू प्लस भी टी टू, ये यहाँ से हम लोगों को आ जाएगा पोजिशन वेक्टर R। अब यहीं से हमें कंडीशन इधर का निकालना है, चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से R1 वन माइनस आर टू निकालते हैं, R1 वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू जो वेक्टर आ जाएगा, आर वन माइनस आर टू जो वेक्टर आ जाएगा वो मुझे मिलेगा भी टू माइनस भी वन, भी वन भी टू माइनस भी वन वेक्टर और मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर यहाँ से टाइम निकालोगे तो टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी, टाइम की वैल्यू आ जाएगी आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर और डिवाइडेड बाई भी टू वैक्टर माइनस भी वन वैक्टर, ये दैट इज द टाइम टी। लेकिन टाइम क्या कभी वेक्टर में होगा क्या? नहीं यार, टाइम ये एक स्केलर है, ठीक है, और स्केलर है इसलिए मैं इसको मॉड लगा दूंगा, दिस इज द वाई, ये वो टाइम है टी टाइम बाद जब कोलिजन हुआ होगा, ठीक है, और इसमें मुझे मॉड लगाना जरूरी है बिकॉज टाइम एक स्केलर है और वैसे भी वेक्टर में वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते यार, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू ले जाके अब इसमें से कंडीशन अभी हमें और सॉल्व करना पड़ेगा, कंडीशन निकालने के लिए ये हाँ ऑप्शन को देख के चेक करो क्या किया जाए। हाँ अगर ये वाला उठा के मैं इसमें रख देता हूँ तो मुझे सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे, मॉड इन्वॉल्व हो जाएगा, ये जो यहाँ से हम निकाल के लेके आए हैं इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आर वन माइनस आर टू वैक्टर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टाइम की वैल्यू डाल दें आर वन माइनस आर टू मॉड,
आर वन माइनस आर टू मॉड डिवाइडेड बाई वी टू माइनस वी वन मॉड एंड मल्टीप्लाइड बाई वी टू माइनस वी वन वैक्टर। ठीक है, अब मुझे आर वन माइनस आर टू वैक्टर और डिवाइडेड बाई आर वन माइनस आर टू मॉड, ठीक है, इज इक्वल टू v2 माइनस वी वन वैक्टर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई वी टू माइनस वी वन मॉड। ठीक है, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया, क्लियर है। तो फाइनली मुझे मिल जाएगा सी ऑप्शन सही है, द सी वन इज द करेक्ट।